हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आरजीपीबी ने अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है। बहुत प्यारा टाइम टेबल है बेटा, एग्जाम में गैप्स भी बहुत अच्छे हैं और अभी से आपको पूरा 30 दिनों का समय मिल रहा है। अब बेटा हमें बात करनी है कि 30 दिनों का हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना है बेटा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बताया है, तो मैं सारा रेफरेंस आज दे दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट को कहां से पढ़ना है, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है। तो जो भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, प्लीज आप पैनिक ना करें। अभी एक बच्चा मुझे मिला, घबराया हुआ था, सर डेट आ गया। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, डेट आ गया, अब हमें प्रिपरेशन में लग जाना है। और बहुत ऐसे बच्चे भी जो अब जागेंगे कि नहीं अब हमें पढ़ना है, तो भैया अब हमें पढ़ना तो पढ़ना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। एकदम आपको लापरवाही नहीं करना, क्योंकि अगर अभी से आप लापरवाही करोगे, क्योंकि देखो अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो फिलहाल भूल जाओ कि कुछ आ रहा है। बस आप इतना देखो कि 1 महीने बाद आपके एग्जाम्स हैं, क्योंकि देखो बर्डन सब पे है बेटा, बर्डन फर्स्ट ईयर वालों पे भी है। क्यों? क्योंकि उनको पहली बार पेपर देना है। सेकेंड ईयर वाले में बहुत ऐसे बच्चे जिनका मैथमेटिक्स 2 बैक है, ग्राफिक्स बैक है, तो उन पे भी बर्डन है कि उन्हें 6 से 7 पेपर देना है। तो यहां पर टेंशन नहीं लेना है बेटा, बस हमें क्या करना है, मेहनत करना है। कुछ की पॉइंट्स है बेटा जिनको आप फॉलो करोगे, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, फॉलो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला की पॉइंट बेटा कि आप एक रूटीन बनाइए, अपना खुद का आप एक टाइम टेबल बनाइए, जिस टाइम टेबल में बेटा ज्यादा नहीं सिर्फ 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। आप इसको बढ़ाकर और भी कर सकते हो, आप 1 घंटा 2 घंटा आप रिवीजन के लिए भी दे सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको पढ़ने के लिए 8 घंटा अपना सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा कि हाँ ये 8 घंटा है जो मैं पढ़ूंगा, ठीक। अभी से फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ना, कॉलेज वाले बहुत डराते हैं उनके, अरे नहीं आओगे कॉलेज तो 75% अटेंडेंस नहीं होगा, फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करे, भैया सब हो जाता है। आपने कॉलेज में फीस दिया है ना, सारी चीजें हो जाती है, आप जितना डरोगे वो उतना डराएंगे, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है बेटा कि कॉलेज जाना आप कम कर दो, एकदम कॉलेज में जो भी पढ़ रहा है ना, कॉलेज जाना कम करो, 2 से 3 दिन कॉलेज जाओ। बहुत ऐसे बच्चे जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही वहां पे, बहुत ऐसे बच्चे मस्ती के लिए किसी चीज के लिए जा रहे हो बेटा, कॉलेज अब थोड़ा सा जाना कम कर दो, ठीक है। थोड़ा सा कोई बहाना कर दो यार, मेडिकल बहाना, जो बहाना करना है कर दो, लेकिन कॉलेज में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि 1 से 2 घंटा जाने आने में लगता है, फिर बॉडी भी थक जाता है, तो उस हिसाब की पढ़ाई नहीं हो पाती है। कॉलेज से आने के बाद बेटा हर इंसान थक जाता है, क्योंकि कॉलेज में अच्छा खाना पीना नहीं खाता, थकने के बाद पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो कॉलेज जाना आपको कम करना है, बहाना जो बनाना है आप बना सकते हो, बच्चे नहीं हो, ठीक है। चलिए उसके बाद जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 10 AM का। बोलोगे सर ये 10 AM का पॉइंट क्या है? देखो आपके एग्जाम का टाइम है 10 बजे सुबह का। मैं ये चाहता हूं कि हर एक बच्चा सुबह 10 बजे पढ़ने बैठ जाए, क्योंकि अगर वो 1 महीना 10 बजे पढ़ने बैठेगा तो जब वो एग्जाम देने भी जाएगा ना, तो 10 बजे उसका जो माइंड है वो अलर्ट रहेगा। बहुत बार आपने देखा कि आप रात भर पढ़ रहे हो, दिन भर सो रहे हो, जब आप एग्जाम में गए तो आपका माइंड ही नहीं काम कर रहा, तो वो वाला काम आपको नहीं करना बेटा। ज्यादा बर्डन नहीं है बेटा, ईमानदारी से मोबाइल को रखकर अगर पढ़ोगे 8 घंटा बहुत होता है। आज हमारा समय कहां जाता है, आप खुद सोचो, आप 1-2 क्वेश्चन बनाते होगे, उसके बाद आप रील्स देख रहे हो, तो भाई अगर ये सब हरकत है तो फिर कैसे करोगे बेटा, है ना। तो इन सब चीजों को 1 महीने के लिए आप अवॉइड करो। देखो मैं कभी स्ट्रिक्ट नहीं होता हूं ना, आपको मैं डांटता हूं कि नहीं ऐसा, अभी फिलहाल 8 घंटा आपको ईमानदारी से पढ़ना है, भले उसके बाद 2 घंटा आप एक मूवी देख लो, लेकिन 8 घंटा ईमानदारी से पढ़ना। ये नहीं कि 8 घंटा उसमें रील्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, 8 घंटा आपको प्योर अपने ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। 30 दिन है हमारे पास, ठीक है बेटा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मार्क्स भी करूंगा कि कितना टाइम आपको देना है कौन से सब्जेक्ट को, ठीक है बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर के बच्चों से। देखो बेटा जो सबसे टफ है अभी वो क्या है आपका, मैथमेटिक्स 1 जो फर्स्ट सेम में। तो बेटा आप इतना समझो कि आपको M1 डेली 2 घंटा पढ़ना है। M1 का मैंने किस तरीके से क्या पढ़ना है बेटा इसका वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैथमेटिक्स 1 के बाद बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को भी क्या करना है आपको, 2 घंटा देना। आप गैप देखो कितना प्यारा है, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 5, बहुत प्यारा गैप है बेटा, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो ग्राफिक्स को आप क्या करो बेटा, ग्राफिक्स को आप 2 घंटे 2 डेली, 1 घंटा आपको देना है इंग्लिश को, अभी मैंने इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया, मैं बता दूंगा बेटा, और 1 घंटा आपको केमिस्ट्री को देना है।
ठीक है। अब देखो होगा क्या, कभी आपको मैथ्स अच्छा लगे पढ़ने के लिए तो मैथ्स आपने अगर 4 घंटा पढ़ लिया तो अगले दिन आप क्या करना, ग्राफिक्स को 4 घंटे पढ़ लेना। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो, है ना। जैसे आज आपने मैथ्स 4 घंटे पढ़ लिए, आपने ग्राफिक्स का टाइम किसको दे दिया, मैथ्स को दे दिया, तो अगले दिन फिर क्या करना, आप 4 घंटा ग्राफिक्स पढ़ लेना। ठीक है बेटा, चले। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो बीएमई है ये मैंने लगभग यूट्यूब में 3 यूनिट करवा दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि 1 यूनिट में और करवाऊं, तो आप यूट्यूब से बीएमई का प्रिपरेशन करो बेटा। साथ ही साथ कंप्यूटर बीएमई को तो आप मानकर चलो ज्यादा नहीं, 2 घंटे आप इसको दो, इनफ है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स को भी आपको 2 घंटे देने हैं, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग को आपको 1 घंटा डेली देना है, और जो आपका फिजिक्स है इसको भी आप 1 से 2 घंटा दे सकते हो, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, वो वाला ऊपर वाला ग्रुप थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अब जो सीनियर मेरी बात को सुन रहे हैं, अब एक बात समझिए बेटा, मैथमेटिक्स 2, ये मैं सीनियर्स के लिए बता रहा हूं, ये आपका टारगेट रहेगा इस बार मैथमेटिक्स 2, और जिनका ग्राफिक्स बैक है, जिनका BEE EEE बैक है, प्लीज बेटा इस बार आप सारे बैक पेपर को क्लियर करो। मैथमेटिक्स 2 में आप कोई भी 4.5 यूनिट आपको पढ़कर जाना है, उससे कम अगर आप पढ़कर जा रहे हो तो दिक्कत में हो, ठीक है। जिसमें आपको फर्स्ट कंपलसरी पढ़ना है, 3 कंपलसरी पढ़ना है, 4 कंपलसरी पढ़ना है, ये 3 यूनिट आपको कंपलसरी पढ़ना। इसके अलावा आप क्या पढ़ना चाहते हो ये आप देख लो, ठीक है बेटा। चलिए, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ इंग्लिश का छोड़कर मैंने सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो एक बार आप जाके सारे का देख लो कि किसमें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्लानिंग मैंने बताया, ताकि एक ओवरऑल व्यू मिल जाए। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया, उनको ये नहीं पता कि ग्राफिक्स में क्या पढ़ना है, उन्हें ये नहीं पता कि कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। फिलहाल मैं इतना बोलूंगा कि लेट नहीं हुए हो, अगर आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो और अगर ईमानदारी से पढ़ते हो ना भाई, 8 घंटा ईमानदारी से 8 घंटा पढ़ते हो, कोई बच्चे का एक भी पेपर गैप नहीं होगा। आप पढ़िए, सॉरी बैक नहीं होगा, आप पढ़िए। एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में लिखना कैसे ये मैं आपको बताऊंगा, तो घबराना नहीं है बेटा, आप बस 8 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश का भी मैं 1 से 2 दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। चल अब आते हैं भैया सेकंड ईयर वालों पे। चलिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हमारे सीएस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारे सीएस वाले बच्चे। देखो बेटा, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को ज्यादा नहीं, आप 2 घंटे डेली दो, आराम से आप 2 घंटे पढ़ो। डेटा को भी आपको 2 घंटे देना है, और डेटा का प्रॉब्लम तो मैंने बच्चों का सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया बेटा, जिसने भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स लिया है उसमें ग्राफ उसका कवर हो चुका है, ठीक। साथ ही साथ ट्री कवर हो चुका है, स्टैक अभी चल रहा है, स्टैक भी कवर हो जाएगा, स्टैक के साथ जो क्यू है वो भी कवर हो जाएगा। तो जिसने भी डिस्क्रीट का कोर्स लिया है उसका डेटा स्ट्रक्चर भी हो जा रहा है। अभी भी आप चाहो तो 500 का कोर्स लेके आराम से ये 2 सब्जेक्ट को कवर अप कर सकते हो, या टेंशन नहीं होता। आप थोड़ा सा पैसा खर्च करो और टेंशन फ्री हो जाओ भाई, 500 खर्च करो, आपको कंटेंट मिल रहा, अच्छे से पढ़ो, रिविजन करो, एग्जाम जाकर दो। सबसे बड़ा जो अभी टेंशन है ना सीएस वालों को, वो है डिजिटल सिस्टम का, ठीक है। तो भैया जो डिजिटल सिस्टम है इसको आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा, आप मानकर चलो आप इसे 2.5 घंटा दो। इसका प्लान भी मैंने बता दिया है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा कि डिजिटल सिस्टम को पढ़ना कैसे बेटा, तो उसी हिसाब से पढ़ना शुरू करो। नोट्स बनाओ, है ना, बीच में आपके जो आपके बैक वाले पेपर है वो भी है, नोट्स वगैरह बना के रखना, क्योंकि गैप बहुत प्यारा है। आप अगर गैप देखोगे, देखो ना 24 के बाद पेपर कब है, 29 को है, तो इस गैप में आप अच्छे से रिविजन कर सकते हो। पढ़ना नहीं, इस गैप में रिविजन करना, क्योंकि 30 दिन बहुत होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसके बाद रहा बेटा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसको भी आप 1.5 घंटा समय दो, आराम से आप 1.5 घंटा दे सकते हो। ये जो आपका एनर्जी इन्वायरमेंटल है बेटा, ये आप मानकर चलो मेरे प्यारे बच्चों कि इसको आप एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले ही पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। AIML वाले जो बच्चे हैं, DS वाले बच्चे हैं, AIDS वाले बच्चे हैं, उनको मैं ये बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आप पूरा पढ़कर जाना, उस सब्जेक्ट के अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको बैक लगाए। चलिए उनके ग्रुप को भी थोड़ा सा अपन देखते हैं, कहाँ गए हमारे भैया प्रोबेबिलिटी वाले बच्चे, AIML AIDS वाले बच्चे। देखो ये है ना AI, है ना AI, है ना, ये देखो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये ठीक। और एक काम करूंगा मैं, डेटा स्ट्रक्चर जिनका भी है उसमें मैं कुछ चैप्टर्स ऐड कर दूंगा, ग्राफ में ऐड कर दूंगा, मैं ट्री ऐड कर दूंगा, मैं स्टैक ऐड कर दूंगा, मैं क्यू ऐड कर दूंगा। चलिए डेटा स्ट्रक्चर का मैं कुछ पार्ट है जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स वाले में मैं अभी बैठकर खुद ऐड कर दूंगा, तो इसमें आप 2 घंटे का समय दोगे,
ठीक, डेटा स्ट्रक्चर में आप 2 घंटे का समय दोगे, अपना ये जो मेन सब्जेक्ट है इसमें 2 घंटे का आप समय दोगे, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें आप 2 घंटे का समय दोगे, और साथ ही साथ ये जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपको, वो आप करो, और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का फीस मैंने 500 कर दिया है भाई साहब, तो पढ़िए, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग मैकेनिकल वाले पे और सिविल वाले पे। देखो सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे सबसे पहले मैथमेटिक्स 3 है, एकदम 2 घंटा समय आप दो, ठीक। उसके बाद क्या है बेटा, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसे भी आप 2 घंटे का समय दो, है ना। बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर 1 घंटे का समय आपको इसे डेली देना है, सर्वेइंग में आपको 1 घंटे का समय डेली देना है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपको 1 घंटे का समय डेली देना है बेटा। सिर्फ 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो टफ है, बाकी लगभग जो सब्जेक्ट है बेटा वो ईजी है, ठीक है। तो सिविल वाला ज्यादा टेंशन ना लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। चलो आपका मैकेनिकल वाले कहाँ है, मैकेनिकल दिख नहीं रहा, मैकेनिकल का ही सब्जेक्ट है M3 है, इसमें आप 2 घंटे का समय दीजिए। थर्मो है, थर्मो में 2 घंटे का दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 2 घंटे का समय दो, इसमें 1 घंटे भी दोगे तो भी चलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी 1 घंटा दोगे तो भी चलेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है ना बेटा सब्जेक्ट्स, लगभग मैंने उनका प्लानिंग बता दिया है, है ना। मैं कोशिश करूंगा सभी का लिंक अटैच करूं, या तो आप मेरे रीसेंट वीडियोस में जाओगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी प्लानिंग वीडियो मिलेगा, मैथमेटिक्स 3 का भी प्लानिंग वीडियो मिलेगा। AIML के लिए मैंने अभी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का नहीं डाला प्लानिंग वीडियो, तो मैं वो प्लान वीडियो डाल दूंगा। प्लान क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। CS वालों का बस डिजिटल सिस्टम रह गया है ना, इस बार थोड़ा सा सेटिंग नहीं जम पाया, कोई अच्छा टीचर नहीं मिल पाया बेटा, वरना डिजिटल सिस्टम भी अपन कर लेते हैं, तो घबराइए मत। जो मेन पेपर है, देखो मसला ये है कि जो मेन पेपर है उनको आपको 2 घंटा डेली देना है, और जो इजी पेपर है बेटा उसको आपको 1 घंटा डेली देना, बस अपने माइंड में आप ये रख लो। कॉलेज जाना कम कर दो, 30 दिन बहुत होता है, बस नोट्स बनाना भाई, है ना। बहुत ऐसे बच्चे शॉर्टकट मारते हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते, नोट्स आप बनाओ, क्योंकि वो जो कॉपी आप बनाओगे ना वो एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगा आपका, ठीक है। तो जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं बेटा उनको इस बार आपको क्लियर करना है, जो बैक पेपर है उनको भी क्लियर करना है, और मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को एक बार बता दे रहा हूं कि भाई बैक मत लगने देना, क्योंकि जो बैक लगता है बच्चा ऐसा फंसता है ना, अभी आपको समय मिल रहा है, आपका एग्जाम फरवरी में खत्म हो रहा है ना, मार्च अप्रैल मई, मई के लास्ट में फिर एग्जाम शुरू हो जाएगा 3 महीने के बाद, बच्चों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो सभी से मैं बोलूंगा कि जी जान आपको लगाना है, 8 घंटे ईमानदारी से पढ़नी है, इन्हें पढ़ रहे रिज वो भैया काम मत करना, 8 घंटे ईमानदारी से आप पढ़ो, ठीक है। आराम से जितने भी बैक पेपर है सबको क्लियर करना है बेटा इस बार, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं, फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे हैं उनको सारा बैक निकालना है, मैंने सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, और मिनिमम भी बता दिया कितना पढ़ना है, सभी जाके रिसेंट वीडियोस में आप चेकआउट कर सकते हो, और किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर ले लो भाई साहब, है ना, बस मिस कॉल करना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कॉल कर दूं, ठीक है। 7987835375, ठीक है। जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं सभी का फीस मैंने 500 कर दिया है, जिसकी वैलिडिटी 2 मंथ्स की है बेटा, तो 500 में मैंने कोर्स का फीस भी कम कर दिया, ताकि एक बहाना ना रहे कि सर हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हमारा बैक लग गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं किसी एक बच्चे का भी बैक लगे, खास करके फर्स्ट ईयर वाले बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दो, कैसे लिखना है क्या करना है वो सब आपको मैं एग्जाम से पहले बता दूंगा, घबराना नहीं है। और जितने भी सेकंड ईयर वाले, मैं एकदम क्लियर कर दूं कि जो फर्स्ट ईयर का बैक है वो आपको क्लियर करना है इसी बार, अगली बार पेपर मर्सी में जाएगा, चीजें खराब होंगी, इसी बार अपन को क्लियर करना है, दैट्स इट, ठीक। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट है उनका मैंने नोट्स वगैरह जो भी था मैंने प्रोवाइड करवा दिया, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए, CS का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स मैंने करवाया, बस एक 8 सब्जेक्ट जो रह गया, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स मैंने मैकेनिकल वालों के लिए मैं नहीं करवा पाया हूँ, डिजिटल सिस्टम मैं नहीं करवा पाया हूँ CS वालों के लिए, तो इन सब के प्रॉब्लम्स को भी मैं सॉल्व करूंगा। जितने इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं यार, EC के बच्चे हैं, थोड़ा सा टीचर्स की कमी की वजह से मैं उनके लिए हेल्प आउट नहीं कर पाऊँ, लेकिन फ्यूचर है कि नहीं भाई मैं आप लोगों के लिए भी हेल्प आउट करूंगा। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, घबराइएगा मत, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे मिस कॉल कर सकते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।